गाइस अभी हम लोग आ गए हैं डिम्बा टेम्पल जा रहे हैं और ये है इसका गेट। ये डिम्बा टेम्पल ज्यादा दूर है नहीं इसलिए हम लोग चलते ही चलते हैं मॉल रोड से। इधर आए ऋषि, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, इसके ले ले, कर इसके ले ले। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। टुडे इज 20 दिसंबर और ट्रिप का डे 3rd है आज। और अभी मैं आ गया हूँ मनाली के मॉल रोड पे। आप लोगों को मैंने कल बताया नहीं था कि कहाँ पे आए हुए, लेकिन हम लोग आए मनाली में और अभी सुबह उठते ही मैं निकल गया हूँ चप्पल लेने के लिए। एक मिनट देखते हैं यार। तो भाई स्लीपर चप्पल नहीं मिल रही है यार, होटल से काफ़ी दूर आ गया हूँ मैं मेन मार्केट में। हैंड वॉश भी लेना था, डायरी पेन और मॉइस्चराइजर, ये तो ले लिया, बस चप्पल ही रह गई है। और यहाँ पे क्या व्यू आ रहा है यार, एकदम मस्त। अभी चलते हैं मार्केट में, देखते हैं और कहाँ पे मिलेगी चप्पल, लेते हैं और निकलते हैं। होटल में फ्रेश वगैरह होते हैं फिर कहीं निकलेंगे घूमने। भैया चप्पल मिल जाएगी? तो गाइस एक भाई ने बताया वहाँ आगे मिलेगी, बता तो सब रहेगी आगे आगे, लेकिन दुकानें अभी ज़्यादातर खुली नहीं है। हाँ ये वाली खुली है, देखते चलो। स्लीपर चप्पल जो यार घर से लाए होते तो सही था। तो भाई ये शॉप में मिली है चप्पल, अभी लेते हैं, पेमेंट वगैरह करते हैं फिर निकलते हैं होटल रूम में, फ्रेश वगैरह होके निकलेंगे आगे, फिर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग बनने वाला है आज, जहाँ भी जाएंगे घूमने आप लोगों को दिखाएंगे ज़रूर। और मैं यूँ ही मनाली की गलियों में डोल रहा हूँ। सो मिलते हैं, चलो। सो भाई चप्पल वगैरह ले लिए मैंने, चप्पल डायरी हैंड वॉश जो भी लेना था मॉइस्चराइजर सब ले लिया। और ये पीछे का मार्केट है यहाँ का मनाली रोड का, पीछे से पहाड़ दिख रहे हैं वो देखो, और वो भी पहाड़ है पूरे। अभी तो ऊपर जाएंगे तब मजा आएगा असली। और ये यहाँ का दुर्गा माता मंदिर है, जय माता दी। सो गाइज अगेन बैक इन द व्लॉग, नहा धो के फ्रेश वगैरह हो गए, अभी जा रहे मार्केट में कुछ लेना है भाई के लिए सामान, वो लेते हैं और चलते वापस होटल में। फिर भाई नहा रहे, नहा के हो जाएगा तो अब निकलेंगे बाहर मार्केट में, घूमेंगे फिरेंगे फिर उसके बाद जाएंगे आगे। आज वैसे पहाड़ पे नहीं जा रहे, पहाड़ पे कल जाएंगे अपन। यस तो अभी का सीन यही है, चलो फटाफट। क्या ही पीछे भी है यार, पीछे भी आगे भी पहाड़ पहाड़ पहाड़, चलो। तो भाई बिकनी का सामान ले लिया अपन ने, अब चलते हैं होटल रूम में वापस, भाई फ्रेश वगैरह हो ले फिर अपन निकलेंगे बाहर। और आज कहाँ जाने वाले आपको बताएंगे, फिलहाल आज पहाड़ों पे नहीं है, पहाड़ पे तो है ही अब, वहाँ नहीं जाएंगे बर्फ में, वहाँ का कल प्लान है। अभी जा रहे हैं यहीं कहीं लोकल में घूमेंगे, तो चलो फटाफट चलते हैं, मिलता हूँ आप लोगों से आगे ब्लॉग। और अभी टाइम हो रहा 12 बज रहा है और हम लोग तीनों भाई निकल चुके हैं बाहर। और बाहर निकलते मैंने कैब अच्छी लगी तो ये वाली कैब ले ली 120 में, अच्छी है। और भाई लोगों ने चश्मा ले लिया, तीनों ने मतलब निकलते ही कुछ ना कुछ ले लिया। हाँ तो अभी चलते हैं आगे की ओर, चाय वगैरह पिए ही हैं, होटल में पिए थे लेकिन बाहर भी पीते हैं, और चलेंगे आगे। अभी हम लोग जाने वाले शायद टेंपल, तो चलेंगे आप लोगों को टेंपल दिखाएंगे, तो चलो। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं डिम्बा टेंपल जा रहे हैं और ये है इसका गेट। जी जी भाई, ये डिम्बा टेंपल ज़्यादा दूर है नहीं इसलिए हम लोग चलते ही चलते हैं मॉल रोड से जा रहे हैं, क्योंकि आज टाइम है हम लोगों के पास लोकल में ही घूमने, तो लोकल में सारा घूम लेंगे आज। तो ये गेट तो आ गया लेकिन मंदिर थोड़ा और ऊपर है। और हडिम्बा टेम्पल भीम की वाइफ का था जिनका नाम था हडिम्बा, और कटोरकच की मम्मी, क्योंकि भीम के बेटे थे कटोरकच,
तो उन्हीं का टेम्पल है, वो पूरे लकड़ी से बनाया हुआ है। वहाँ पे कोई स्टैचू है नहीं, उनके पैरों के निशान है, उसी की पूजा करते हैं लोग। तो चलो चलते हैं, आप लोगों को दिखाएंगे मंदिर। यस, और ठंडी है, मज़ा तो आ रहा है। हाँ दोस्तों चलो फटाफट चलो चलो। सो गाइस अभी हम लोग हडिम्बा टेम्पल पहुँच चुके हैं और ये आंटी खरगोश लेके जा रही है, वो पीछे याक वगैरह, और ये रहा हडिम्बा टेम्पल। ये पूरे वुड का ही बना हुआ है, आप लोगों ने पिक्चरों में देखा होगा। यही प्लेस की शूटिंग है, ये जवानी है दीवानी में, जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि शादी हो रही है, आप लोगों ने देखा होगा, वही सीन यहीं का है। और ये रहा मंदिर, पूरे वुड का बना हुआ है, अच्छे लगते हैं मंदिर यहाँ पे पहाड़ों पे। तो चलते हैं अपन, दर्शन वगैरह करते हैं। पैदल ही हम लोग पहुँचे हडिम्बा टेम्पल। चलो इधर आ, ऋषि जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, इसके ले ले, कर इसके ले ले, जल्दी आ। तो भाई फाइनली दर्शन वगैरह हो गए, फीलिंग ब्लेस लग रही है। मंदिर बहुत ही अच्छा है, दर्शन हो गए, लाइन बहुत थी लेकिन फिर हो गई दर्शन। हम लोगों ने जूते यहाँ पे निकाल दिए थे मंदिर के सामने, और ये लाइन यहाँ से घूम के पीछे पूरा है, पीछे साइड, तो वहाँ से लाइन में लगे थे, हम लोगों ने दर्शन कर लिया मस्त। अब चल रहे हैं आगे की ओर, आगे दिखाते हैं आप लोगों को। अभी गाइस यहाँ पे गटोर गेस्ट का भी मंदिर है, तो वहीं पे जा रहे हैं हम लोग आगे, तो चलते हैं वहाँ पे भी दर्शन करेंगे, देखेंगे क्या सीन है। तो चलो यहाँ पे गाइस ये देखो, ये आ गया। यहाँ पे हम लोग पहले जब आए थे तो फोटो खिंचाए थे याक पे, ये याक क्या मस्त है, करके चालू कर दे। और भाई याक पे बैठ गया है, ये ओ पोजेस पोजेस। चलो 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 भाई, भाई निकल गए याक की सवारी पे, थोड़ा सा घुमा दे, कैसा लग रहा है? क्या है क्या है, नहीं तो घर फैमिली के अंदर गिफ्ट करते हैं। एक अब बिग बी कट होन कौन है? ओ अमिताभ बच्चन है सबसे बुड्ढा, सबसे कैसी।
तो भाई अभी दर्शन करने के बाद अभी हम लोग आ गए चाय नाश्ता करने के लिए, और ये चाय आ गई हमारी तीनों जन की। तो भाई अपना गुनगुना पानी भी आ गया, मैगी भी आ गई अभी, और भाई अभी टोस्ट सैंडविच भी आ गई अपनी। और ये यहाँ की एक लोकल डिश है सिद्धू, जो हम लोगों ने मंगाया है। अभी देखते हैं इसको खा के कि इसका टेस्ट कैसा है। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, मटर। अच्छी है, मोमोज वाली की तरह है, थोड़ी अच्छी है। लेकिन आप लोग भी मनाली आना तो भाई के पास से सिद्धू ले लेना और खा लेना। तो चलो नाश्ता पानी करते हैं, फिर आगे मिलते हैं आप लोगों से। तो भाई लोग अब सिद्धू के बारे में रिव्यू देंगे। बिग बी बताइए भाई कैसा है। ये जो है हमारा स्टीम पका हुआ वीट है, उसके अंदर स्टफिंग है एप्रिकॉट की, और ये जैसे हम लोग की तरफ फरे बनते हैं तो जिसमें दाल भर के बनाए जाते हैं, उस तरह का टेस्ट आ रहा है। और ये आपको जब आप ट्रैवल कर रहे हों तो आप ये ज़रूर खाएं, ताकि आप ज़्यादा देर तक फुल रहें, आपके अंदर एनर्जी बनी रहे। मतलब सीधा इसको खा के आप लोग शाम तक रह सकते हैं, घूम सकते, पेट में बना रहेगा और घूम भी सकते हैं। और काफ़ी रिजनेबल है, 100 रुपीज़ के इन्होंने पूरे दिए थे वो सिद्धू पर एक प्लेट। तो अच्छा, आप लोग भी आना मनाली तो ट्राई करना। ये भाई ने सिद्धू बहुत बढ़िया खिलाया, शाम तक रहेगा ना पेट में। सुनील तो सुनील भाई थैंक यू यार। तो अब नाश्ता पानी कर लिया, अब निकलते हैं अपन आगे मार्केट की तरफ, और कहीं जाएंगे तो दिखाएंगे। यस, तो गाइस अभी हम लोग आ गए मॉल रोड पे। ये कोई ये फेस्टिवल चल रहा है इन लोगों को, नेशनल जूट बोर्ड। जैसे अपने यहाँ मेला वगैरह लगते हैं वैसे ही यहाँ पे लगा हुआ है कुछ फेस्टिवल। ये सारी चीजें बिक रही हैं यहाँ पे। ओ भाई लोग गाना भी गा रहे हैं। और गाइस यहाँ पे सब लोग जो भी बेच रहे हैं ये वॉल वॉल पे लगाने के लिए, और पीछे पिलो भी है, ये सारे हैंडमेड ही है, सब हाथ से बनाया हुआ है। और गाइस इस फेयर का नाम है जीट फेयर मनाली, ये यहाँ पे ही लगता है मॉल रोड पे। सो गाइस अभी वापस हम लोग आ गए हैं मॉल रोड पे घूमने, डोलते डोलते चाय पीने आ गए, और अभी टाइम हो रहा है 5:30, जैसा कि यहाँ पे शाम होने वाली है, हो ही गई है लगभग। और मार्केट में भीड़ भी काफ़ी बढ़ रही है, क्योंकि जो भी लोग घूमने गए हुए वो सब वापस आ रहे हैं मॉल रोड पे। अभी तो अंधेरा नहीं हुआ, जैसे अंधेरा होगा वैसे और भी लोग आएंगे और भीड़ बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे जो व्यू है, जैसा माहौल, बहुत ही मस्त है, पहाड़ी इलाकों में होता ही है मस्त। तो अभी मिलते हैं आप लोगों से चाय पीने के बाद। और गाइज ये चाय हम लोगों ने ये आंटी से लिया हुआ है, पीछे ये आंटी बैठी हुई है, चाय बेच रही है। तो लोकल में आप लोग जैसे इनके पास से लोगे तो ये लोग घर से बना के लाते चाय, और इसका टेस्ट घर की तरह अच्छा है थोड़ा, बाकियों से तो बेटर ही है। तो मैंने देखा आंटी को, मैंने कहा आंटी के पास से ही लेते चाय, आंटी अकेले हैं बेच रही है और चाय भी अच्छी है। तो आप लोग भी आए तो आंटी के पास से ही चाय लेना।
ऐसे ही मैं शेयर करते जाऊंगा, जो भी चीज़ें मुझे मिलेंगी देखूंगा मैं, सीखूंगा, आप लोगों को बताऊंगा, और आप लोग भी शेयर करते रहे। तो भाई हम लोगों ने चाय वगैरह पी लिया, और आप लोग आए तो कूड़ा ना फैलाए प्लीज़, ग्लास कूड़ेदान में ही डालें। चलो डाल लिए। सुबह घूमते घूमते 6 बज गए और बाहर अंधेरा भी हो गया। अभी हम लोग आ गए हैं मार्केट में नीचे, कुछ सामान वगैरह देखते हैं, यहाँ पे पसंद आएगा तो लेंगे। आपके जो भाई हैं, ये देखो ये आ जाएगा, ये चलिए भाई शुक्रिया। तो भाई कश्मीर वाले भाई ने काफी अच्छी डील दी है भाई लोगों को, और अभी हम लोग बाहर आ गए हैं। क्योंकि एक कश्मीरी हमारे साथ ही है ना, तो अपन ने ले लिया है सामान वगैरह, शॉल वगैरह, और अपनी मुंबई की भी पब्लिक बहुत आई है यहाँ पे, कुछ ज़्यादा ही मुंबई वाले ये बार दिख रहे। लास्ट टाइम जब आया अपन दोनों टाइम तब नहीं थे, लेकिन ये टाइम आया हुए, जब से आया मैं तब से 6-7 लोग दिख चुके हैं, मतलब वो ग्रुप वाइज। तो अच्छा है ऐसे आते रहे, मुंबई वाले भी घूमते रहे पहाड़ों में, और जब भी आए मोटे कपड़े पहन के। तो चलो अब चलते आगे, पता नहीं। तो भाई अभी घूमते फिरते आ गए हम लोग फिश लेने के लिए, ये वाली फिश ली हम लोगों ने, और ये फिश अभी तंदूर करेंगे। भाई लोग अभी हम लोग आ गए, भाई तो वहाँ पे फिश ले रहे हैं, और हम लोग दोनों भाई आ गए मोमोज लेने के लिए यहाँ पे। तो ऑर्डर कर दिया हम लोगों ने, अब मोमोज और फिश वगैरह लेके सब जाते हैं अपन डायरेक्ट होटल रूम पे, क्योंकि ठंडा भी बहुत ही हो रहा है। तो पैक कराते हैं और निकलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से रूम पे पहुँच के। यस तो गाइस अभी टाइम 9:30 हो रहा है, और हम लोग निकल रहे खाने के लिए बाहर, जब से हम लोग रूम में ही थे, क्योंकि ठंडी भी बहुत है। लॉक करते हैं रूम, थोड़ा घुमा दीजिए, लॉक करते हैं रूम, दिखा दिए थोड़ा होटल के आसपास का, और ये होटल के बाहर का रिव्यू। चलो भाई लॉक करते हैं। होटल के बाहर का भी व्यू बहुत अच्छा है, सुबह वहाँ से पहाड़ दिख रहे थे। इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी डाली थी, जिन्होंने नहीं देखा वो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और देखें, उनको इंस्टाग्राम पे दिखेगी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे स्टोरी पहले पड़ जाती है। और चलते अपन, बिग भी आगे चल रहे हैं, और जैकेट तो कई लोगों ने पहचान ही ली होगी, जिन्होंने लास्ट वॉक देखा है वो लोग जान गए होंगे कि ये जैकेट कहाँ की है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो ब्लॉग, और नहीं जानते जैकेट कहाँ की है, तो आप लोग पिछला नेपाल वाला ब्लॉग जाके देखें, तो आप लोगों को पता चलेगा वो जैकेट हम लोगों ने कहाँ से ली थी। अभी चलते हैं अपन बाहर, कुछ खाते वगैरह, फिर वापस रूम में आएंगे, क्योंकि भूख लगी हुई थी। सो चलो बाहर चलते हैं। ये हमारा होटल है गाइस, यहीं पे ठहरे हुए थे हम लोग, और यहाँ से सीधे जाके लेफ्ट आ रही है तो मॉल रोड है, और यहाँ से आप लोग बाइक भी हायर कर सकते हैं, देख रहे हो ये सारी बाइक है हायर करने के लिए। जो भी आना मुझे बता देना, एक बुलेट मेरे लिए भी हायर कर लेना। चलो चलते हैं अपन मॉल रोड पे, ये सारे स्टॉल लगे हुए कैप वगैरह के लिए। तो अपन चलते हैं आगे, बस आप लोग आना तो ये जलेबी थोड़ा सोच समझ के खाना, वो भी सुबह, क्योंकि इसका राज मैं आप लोगों को आगे चल के बताता हूँ।
सो गाइस ये जलेबी का राज ये है क्योंकि हम लोग सुबह भी आए थे तो वही जलेबी थी और उतनी क्वांटिटी में थी। दोपहर में आए तो भी उतनी क्वांटिटी में थी और रात में आ रहे तो भी उतनी क्वांटिटी में, क्योंकि जलेबी कोई उतनी खा रहा नहीं है और वो लोग वही गर्म कर करके दे दे रहे। तो चलो अपन चलते हैं आगे, क्या ही करना है, आप लोग आना अपनी समझ से। चलो मॉल रोड पे ये छोटे छोटे रसगुल्ले अभी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे खाने के लिए, और ये पान वाली स्टॉल अपन खाएंगे लेकिन खाना खाने के बाद खाना खाने के बाद ही कुछ मीठा खाना चाहिए, कहते हैं नींद अच्छी आती है। तो चलो अब होटल ही चलते डायरेक्ट, आप लोगों से मिलता होटल पे। सो गाइस खाना वाना खा के अभी हम लोग आ गए हैं होटल रूम पे, पीछे रहा ही हम लोगों का होटल रूम, और अभी टाइम भी कुछ 11:30 वगैरह हो गए, तो खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया है। अब चलते होटल रूम में, आप लोगों को मिलते हैं कल नए व्लॉग में। कल का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है तो कल का व्लॉग मिस मत करना। कल जाएंगे अपन, आप लोगों को दिखाएंगे कि कहाँ जाएंगे। बस मैं तो यही कहूँगा कि कल का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा तो कल आप लोग देखना और सारे व्लॉग देखना, मैं तो यही कहूँगा, इससे आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे आए तो ये करें। मेरे से तो जैसे हो रही है मैंने आप लोगों को बता दिया, बाकी आप लोगों की मर्जी। तो व्लॉग देखे आप लोगों को अच्छा लगा, और नहीं भी लगा तो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइस, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले, आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप लोगों से मिलता हूँ मैं कल, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं कल, बाय।